आपके साथ जो हमला हुआ है ये कब हुआ है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये कल शाम 5:28 और 5:30 के बीच में हिंदू व हिंदू नाई की दुकान है बैंक ऑफ बड़ौदा के बराबर में आसियाना, वहाँ से मैं निकल रहा था बाल कटवा के, अज्ञात लोगों ने, जिसमें से कुछ लोगों ने टोपी लगा रखी थी और कुछ ऐसी थे, पीछे अज्ञात लोग आए और पीछे से हमला सिर पे करा, जिसमें मेरे सिर पे 3-4 जगह टाके आए हैं, हाथों में सूजा वगैरह कुछ घुसाया और दोनों हाथों पे डंडे मारे, जिससे मेरे दोनों हाथों पर सूजन वगैरह है। और जी ये बहुत ही घृण अपराध करा है इन लोगों ने, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। एक बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह का हमला, ये पुलिस को और सब चीज़ों को तत्कालीन प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, और जिन्होंने भी करा हो वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होके मुकदमा दर्ज करके उन्हें पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई करे जल्दी जल्दी। मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता कि कल को किसी और भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पे, जो हमारे प्रखंड के और खंड स्तर के और जिला स्तर के और भी जो हिंदू समाज का लोग कार्य कर रहे हैं, उन पे भी कभी ना कभी हमला हो सकता है। इसलिए पुलिस को इस बारे में विचार करते हुए जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। तो बजरंग दल ने क्या संज्ञान लिया है इसमें? बजरंग दल के सारे पदाधिकारी कल रात पहुंचे थे थाने, मेरा मेडिकल कराया गया और जी मेडिकल कराने के बाद मेरा वहाँ काम करा दिया गया, कानूनी कार्रवाई एप्लीकेशन दिलवा दी गई है मेरी, सारे मेरे विभाग के प्रांत के सारे पदाधिकारी मान्य भवनी सिंह सहगर जी, जिला संयोजक शंकर राजपूत जी, गौरव प्रताप जी विभाग संगठन मंत्री, गौरव भटनागर जी, सब लोग रात में उपस्थित रहे और सब लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर सब चले और सारा कार्रवाई उन्होंने मेरी इलाज से लेके हर चीज़ तक मदद करी है सारे संगठन के लोगों ने, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। ये घटना की जगह के बारे में थोड़ा बताएंगे? आसियाना, रामगंगा आसियाना मुरादाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा के बराबर में हिंदू बंधु नाई की दुकान है, सैलून है, उससे निकल रहा था।